और ये बिल क्या जरूरत है, किसानों ने मांग की थी क्या इस बिल की? किसी किसान संगठन ने, किसी किसान के नेताओं ने इस बिल की मांग की थी क्या? आनन फानन में लॉकडाउन के दौरान इस बिल को अध्यादेश द्वारा लाया गया, जबरदस्ती राष्ट्रपति ने उसको आनन फानन में पास भी कर दिया। ये और कोई नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ किसान गद्दार। किसान ही जवान पैदा करता है जो बॉर्डर पे लड़ता है, किसान ही जवान और दूसरे के लिए योगदान देता है, किसान दूसरे के हक अधिकार की लड़ाई करता है, कर्ज के नीचे हर समय किसान दबा रहता है। सरकारें पूंजीपतियों को अमीर बनाना चाहती है, सारी चीजें उनको देना चाहती है, किसानों के हक में कौन बोल रहा है बताइए? किसानों को कोई खालिस्तान बोल रहा है, कोई इनको देशद्रोही बोल रहा है, कोई कह रहा है पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, कोई कुछ कह रहा है, इस तरह से बोला जा रहा है। आज पंजाब से किसानों ने अपने हक अधिकार की बात किया, उन्हें नक्सलवादी आतंकवादी, अगर मुसलमान कोई अपना हक मानता है उन्हें आतंकवादी, अगर कोई संगठन अपना हक अधिकार जैसे यादव से ए रेजिमेंट मांगता है तो उनको कहते हैं जात बात करते हैं, अगर दूसरा कोई आंदोलन करे तो उनका आंदोलन होता है, अगर किसान अपना हक अधिकार मांगता है तो ये कहते हैं कि ये खालिस्तान मांग रहे हैं। इसमें खालिस्तान की बात नहीं है, इसमें इनको बताना चाहता हूँ कि आज पूरा राष्ट्र, ये राष्ट्रीय आंदोलन हो चुका है, पूरे राष्ट्र के लोग हैं, पूरे भारतवर्ष से अलग अलग जगह के सारे किसानों की संस्थाएँ आई हुई, और ये जो सरकार है, ये जो तीन तिकड़म गद्दी पे बैठे हुए हैं, मेरा इनको सीधे कहना है, राष्ट्र लूट जाएगा ये आसार नज़र आता है, अब हुकूमत में बैठे हुए तीन तिकड़म गद्दार नज़र आते हैं, राष्ट्र के खातिर किसानों ने लुटा दी जान अपनी, और इनको आज सबसे ज़्यादा किसान ही गद्दार नज़र आते हैं, इनको और कोई नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ किसान गद्दार। किसान ही जवान पैदा करता है जो बॉर्डर पे लड़ता है, किसान ही जवान और दूसरे के लिए योगदान देता है, किसान दूसरे के हक अधिकार की लड़ाई करता है, कर्ज के नीचे हर समय किसान दबा रहता है, यानी हर तरफ से किसान के लिए हर तरफ से दबाने की ही कोशिश की जाती है, और जिस राष्ट्र का किसान परेशान है वह राष्ट्र मजबूर है। इसलिए मेरा कहना है कि किसानों का हक जल्द से जल्द दे दिया जाना चाहिए, इसको बिल को वापस ले लेना चाहिए, और किसानों के हक अधिकार की लड़ाई में कभी रोड़ा नहीं डालना चाहिए। अब ये उनकी जिद है, अगर ये पूरे देश के 135 करोड़ आवाम की आवाज़ उठ रही है तो केवल ये तीन तिकड़म जो चंद्र मुट्ठी भर लोग बैठे हैं, इसका मतलब राष्ट्र गुलामी की तरफ जा रहा है, ये फिर नवीन रियासतीकरण करने जा रहे हैं, ये इनका कुछ नहीं है, धीरू भाई अंबानी अडानी के गोद में बैठे हुए खेल रहे हैं, इनका कुछ नहीं है, वही उन्हीं के जेब भरने का ये काम कर रहे हैं, और ये कहते हैं मेरा खाता क्या है, इनका खाता तो उनके खाते से लिंक है, उन्हीं के खाते से ये विदेशों में पैसा जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि अब किसानों का हक अधिकार नहीं सुना जाएगा तो ये बहुत बड़ा देश के राष्ट्र के साथ अन्याय होने जा रहा है। चीज़ें ये लोग तो कहते हैं विपक्ष ने 70 साल से किया क्या, 70 साल से सुई से लेकर के जहाज बनाने वाले विपक्ष ही तो पिछली सरकारें थी तो थी जो उसने उन्होंने तो राष्ट्र को मजबूत करने का काम, इसके पहले पोलियो की बीमारी आई, अगर पोलियो की बीमारी की दवा पिछली सरकार न बनाई होती तो आधे से अधिक जनसंख्या कुरकुरे की तरह टेढ़े मेढ़े पैदा हुए होते। इस बात को नहीं, ये आज एक साल होने जा रहा है कोरोना महामारी, आज तक इसकी दवा नहीं, और बिहार में जाके इलेक्शनों में कहते हैं कि सबसे पहले हम बिहार को जहाँ इलेक्शन होगा वहाँ ये कहेंगे कि हम आप टीका लगवाएंगे, हमें वोट दे दो। आज तक कोई सरकार ऐसा कि अगर ये सरकार काम किया है तो काम पे वोट मांगे ना, क्यों इसके एक अकेला तेजस्वी के साथ 26 हेलीकॉप्टर ये उड़ा करके एक तरह से लड़ रहे थे, एक तरफ अकेला है और एक तरफ ये 26 लड़ रहे थे, महाभारत से बड़ी लड़ाई बिहार में हुई और रात के अंधेरे में जीत गए। इनकी चोरों का काम कब होता है, रात के अंधेरे में थे, जैसे छिपकली दिन डूबते ही लाइट जलते छिपकली निकल करके बाहर सैकड़ों कीड़े मकोड़े खा करके रात सुबह होते ही महापुरुषों की तस्वीर के पीछे छुप जाती है, उसी तरह इन नेताओं का, इन तीन तिकड़म के नेताओं का काम है हत्या बलात्कार रेप इनकाउंटर करो, और जब ये फंस जाते हैं तो ये तीन तिकड़म फ्रंट पे आ जाते हैं और इनको बचाने में लग जाते हैं। जब भी आंदोलन हुए हैं, चाहे वो किसी रूप में आंदोलन हुए हैं 2014 से लेकर अब तक जितने भी आंदोलन हुए हैं, उसे किसी न किसी चीज़ में मोदी सरकार या तो उग्रवादी या पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, इस तरह से वर्ग लाया जाता है, ये उनकी रणनीति का हिस्सा रहा है। और गोदी मीडिया जो मीडिया है, जो इस तरह का पूरा बिका हुआ मीडिया है,
पूरा मीडिया मोदी सरकार के इशारे पे चलता है, उसको क्या बोलना है, पीएमओ से आदेश होते हैं, पीएमओ से क्या बोलना है, क्या स्क्रिप्ट लिखी जाती है, उन लोगों को बताया जाता है और वो उसी हिसाब से बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं आंदोलन को कुचलने की बात है। मेरा मानना है कि जब तक आंदोलन बड़ा रूप नहीं लेगा, जब तक सरकारें नहीं हिलेंगी, और सरकारें पूरी तरह से कानों पर बिल्कुल गुम हो चुकी हैं, सरकारें बिल्कुल अनसुना महसूस कर रही हैं सरकारें, उनको जगाना पड़ेगा। जब तक हम लोग सब इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक जन आक्रोश पैदा नहीं होगा, जब तक नहीं पता लगेगा। देखा होगा आपने जब दिल्ली में जब अन्ना आंदोलन हुआ था, तो कांग्रेस की सरकार जब जनमानस ने देखा, करप्शन को लेकर बहुत बड़ा मूवमेंट बना, तो इसी तरह इस सरकार के खिलाफ भी मूवमेंट बनेगा। क्योंकि आज बेरोजगारी का आलम इतना बुरा, ज्यादा सारे सेक्टर को बेच दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कोई सेक्टर नहीं छोड़ा जिसको बेचने का काम कर दिया। पूरे लॉकडाउन में एक करके, उसको गैस हो या पेट्रोलियम हो या रेल हो या हवाई जहाज हो या एयरपोर्ट हो, या आपके अब किसानों को बेचा जा रहा पूंजीपतियों के हाथे। बताइए कहाँ का, मतलब कहाँ का न्याय है? बताइए बिल, देखो ये जो बिल है ये किसानों के लिए लाया गया बिल। भाई मोदी सरकार कहती है कि बिल किसानों के लिए लाया गया, किसान मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि किसानों का कोई सरोकार ही नहीं है इस बिल के अंदर। जो किसान ही मानने को तैयार नहीं है तो ये बिल कहाँ से होगा, बताइए? और ये बिल क्या जरूरत है? किसानों ने जो मांग की थी क्या इस बिल की? किसी किसान संगठन ने, किसी किसान के नेताओं ने इस बिल की मांग की थी क्या? आनन फानन में लॉकडाउन के दौरान इस बिल को अध्यादेश द्वारा लाया गया, जबरदस्ती राष्ट्रपति ने उसको आनन फानन में पास भी कर दिया। ये क्या है? ये पूंजीपतियों को और मजबूत बनाने की बात है। आज आपको पता होगा, अभी रिसेंटली एक खबर आई है कि अडानी पूरे वर्ल्ड के अंदर 9वें नंबर पे है। इतना मतलब मोदी सरकार आने के बाद अडानी ग्रुप ने इतना पैसा कमा लिया कि वर्ल्ड में 9वें नंबर पर आ गया है। इसका क्या मतलब है? क्योंकि ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों को और ज्यादा अमीर बनाना चाहती है, बहुत ज्यादा धनवान बनाना चाहती है, और जो जो किसान है, मजदूर है, उसको बिल्कुल धरती में मिलाना चाहती है, उसको खत्म करना चाहती है। इस मोदी सरकार की मंशा यही है। किसान मांग रहा है मेरी फसल का मुझे उचित दाम दे दो। किसान 6 महीने मेहनत करता है जी, उसकी लागत बढ़ती जा रही है, उसका यूरिया बढ़ता जा रहा है, उसका डीएपी बढ़ता जा रहा है, उसकी डीजल बढ़ता जा रहा है, उसका मजदूर बढ़ता जा रहा है, उसकी जुताई बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके ऊपर चिंता है सरकार की? आज 40-45 रुपए किलो आलू है, आप चले जाइए मंडियों में, आज भी उसका आलू 15-16-12-13 रुपए के में खरीद हो रहा है। 40-45 रुपए किलो कहाँ पे होता? कौन लोग हैं जहाँ पर पैसा जा रहा है? कभी किसानों को उचित दाम मिला? एमएसपी की बात करते हैं, एमएसपी तो जब तुमने एमएसपी पे ही नहीं खरीदा पहले, और अब तो एमएसपी का जिक्र ही नहीं है, तो अब तो इन्हें बिल्कुल धरती में मिला दोगे आप, बिल्कुल जमीन दोस्त कर दोगे आप लोग। क्या मोदी सरकार को नहीं पता दाढ़ी बढ़ाने लेने से क्या देश चल जाएगा? दिमाग में क्या मोदी सरकार के नहीं आता? क्या उसके कैबिनेट जो कृषि मंत्री है हमारा नरेंद्र सिंह तोमर, उसको ये नहीं पता कि बाजरा कौन से सीजन में बोया जाता है? वो कृषि मंत्री बना रखा है। जो आपका इकोनॉमिस्ट का बना अर्थशास्त्री बना रखा है वो इतिहास का है, बताइए? जो इतिहास का आदमी वो इकोनॉमिस्ट जानेगा, वो अर्थव्यवस्था को जानेगा? पूरी इकोनॉमिस्ट और अर्थव्यवस्था पूरी धरातल में चलेगी, माइनस में हमारी इकोनॉमी चलेगी। इतने बुरे हालात देश के पैदा कर रहे हैं, बेरोजगारी पूरी अब तक के इतिहास में इतनी बेरोजगारी नहीं हुई जितनी बेरोजगारी इन्होंने अब पैदा कर रखी है। क्या और कोई मुद्दा नहीं है क्या देश के सामने? क्या इनको किसानों के हाथ काटने की पड़ी है? क्या किसानों के हाथ कट जाएंगे, किसान कैसे खेती करेगा? ये कृषि प्रधान देश है, कोई कह देगा कृषि प्रधान देश है? किसान अपने घर पे पलस्तर तक नहीं कर पाता, उसके घर में जाकर देखो कितनी समस्याएं पैदा होती हैं। अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पाता, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे पाता। क्यों नहीं दे पाता? क्योंकि उसके आय नहीं है, पच्ची कुची उसकी आय है, उसको तुमने पूंजीपतियों के हाथ बेचने का काम कर दिया। ये कब तक चलेगा? क्या मोदी सरकार को दिखाई नहीं दे रहा? जितनी भी सरकारें, ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार, जितनी भी सरकारें रही हैं, जितनी भी पिछले की सरकारें रही हैं, किसी ने भी किसानों के लिए कुछ भी नहीं करा, और आज उसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। सरकारें पूंजीपतियों को अमीर बनाना चाहती हैं, सारी चीजें उनको देना चाहती हैं, किसानों के हक में कौन बोल रहा है बताइए? किसानों को कोई खालिस्तान बोल रहा है, कोई इनको देशद्रोही बोल रहा है, कोई कह रहा है पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, कोई कुछ कह रहा है, इस तरह से बोला जा रहा है। जब बिहार में इलेक्शन हुआ, क्या इन लोगों को कोविड दिखाई नहीं दिया? जब नरेंद्र मोदी की रैली में 50-50 हजार के लोग जुड़ रहे थे, क्या वो उनका टेस्ट देके उसमें रैली में बुलाया जा रहा था? इनके 20-25 हेलीकॉप्टर पर डे उड़ते थे, क्या वो कोविड चेक होके जाते थे क्या? किसान अपनी मांगों को लेकर अगर दिल्ली में कूच कर रहा है तो वो कोविड हो गया, वो संक्रमित हो गया, वो देश को बर्बाद करने पर हो गया। ये कब तक चलेगा? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कैसे भी इनके आंदोलन को कुचलना है। इस देश में जब तक नरेंद्र मोदी रहेगा, जब तक ये भ्रष्ट मीडिया रहेगा, जब तक ये कोई भी आंदोलन को नहीं आने देंगे, क्योंकि ये इस देश को, मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में चुनाव को भी खत्म कर दें। इस देश पर कब्जा होना चाहती है आरएसएस की विचारधारा, बहुत विकृत मानसिकता है, ये लोग इंसानों से प्यार नहीं करते, ये इनकी एक अलग आइडियोलॉजी है, उसी पर काम करते हैं।
ये देश को भी नहीं मानते, ना किसानों को मानते, ना जवानों को मानते। तो आज वही देशद्रोही जिसको देशद्रोही कहते हैं, कल को इनके इनका झंडा लेके खड़ा हो जाए उसे राष्ट्रवादी कहने लग जाएंगे। जो इनका झंडा नहीं उठाता, जो इनका झंडा नहीं उठाता, जो इनसे सवाल करता है, जो इनसे सवाल पूछने की हिम्मत दिखाता है, उसको देशद्रोही कहते हैं ये लोग। पाकिस्तान चले जाओ, आतंकवादी कहते हैं। ये तो अब से हो रहा है, 2014 से हो रहा है। विद्यार्थियों को इन्होंने आतंकवादी घोषित कर दिया, जो स्कूल के जो हमारे नौजवान हैं, एक भी रोजगार को लेकर कोई इन्होंने बात रखी। इतना बड़ा कोविड हो गया, इतनी लॉकडाउन हुआ, इतने लोग परेशान हुए कोविड के टाइम पर। 20 लाख करोड़ रुपए की बात करने वाला प्रधानमंत्री, 20 पैसे किसी की जेब में नहीं आए। किसी किसान को 1 रुपए का फायदा हुआ 20 लाख करोड़ की घोषणा करने के बाद? कौन सवाल पूछने वाला? मीडिया सवाल पूछता है? मीडिया बिल्कुल बिका हुआ है। मीडिया ने जो हमारी जनता की आवाज है, चौथा पिलर हम लोग बोलते हैं, पूरा मीडिया भ्रष्ट हो चुका है। कोई मीडिया इनके इनसे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं दिखाता। सारा मीडिया इन्होंने बिल्कुल रखेल बना लिया अपना, एक तरह का रखेल, उनकी हाथों की कठपुतली बनकर रह गया। पूंजीपतियों का सारा मीडिया है। कौन आवाज उठाएगा इनकी? इनको देशद्रोही घोषित कर रखा है। ये कहते हैं तो हमारे पास न बीवी बच्चे, आप प्राकृतिक जीवन जीने वाले हैं, जो प्रकृति के खिलाफ, आज प्रकृति क्यों खिलाफ है? क्योंकि जब गद्दी पे कोई राजा आप प्रकृति जीवन जीने वाला बैठ जाए, जो यही तो कहा गया था, जिस उसी को राजा बनना चाहिए जिसके पास बीवी बच्चे और रिश्तेदार होना चाहिए। आज तो ये आप प्रकृति लोग बैठ गए, इसलिए प्रकृति भी नाराज हो गई, उल्टा चलना शुरू कर दिया है। और अगर किसानों की मांग नहीं सुनी गई तो समझ लो कि बहुत बड़ा उल्टा काम होने जा रहा है।